हेलो गाइस, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। हनी दीप की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सब लोग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग कुछ ऐसे होने वाला है कि आज अभी बच गया है सुबह का 9 और मैं उठ चुकी हूँ जल्दी। सो मैंने सोचा अभी किट्टू सो रही है कि कुछ किट्टू को जाना है ट्यूशन। सो मैंने सोचा फटाफट से उसका टिफिन बना दूँ और उसका दूध वूध गर्म करूँ, फटाफट उसको उठा के तब नहलाऊँ तो वो रेडी भी हो जाएगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। और जब तक वो सो रही है अपने पापा के साथ किट्टू और उसके पापा सो रहे हैं अंदर। सो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी से आके आप लोगों को पहले गुड मॉर्निंग विश किया जाए, उसके बाद आगे काम किया जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ, फटाफट बना लेती हूँ किट्टू के लिए नाश्ता। और जो कल बनाए थे ना उनको भी आज फ्राई करना है मैंने, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। चलिए। सो देखिए तेल हो चुका है गर्म और ये मैंने निकाल ली है चीज़ बॉल, क्योंकि किट्टू को टिफिन में दे रही हूँ आज मैं चीज़ बॉल और ब्रेड्स। तो मैंने इसको पन्नी निकाल दी। आप इससे क्या होगा ना, ये पन्नी से ना सेट तो है पर ना देखो मतलब बर्फ जम जाती है ना, पूरी बर्फ़ नहीं जमी होगी, एकदम परफेक्ट लड्डू है। तो मैंने तेज़ को कर लिया, पहले पूरी फुल आँच पे गर्म और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चार लड्डू मीन्स बॉल्स, गार्लिक पटैटो चीज़ बॉल्स। तो किट्टू के लिए 4 पीसेस बहुत है और इसको वापस ऐसे ही पैक करके और डिब्बा बंद करके हम इसको डीप फ्रीजर में रख देंगे और इसको धीमी आंच पे ऐसे पकने दो जिससे चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो जाए और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। सो हेलो गाइस, देखिए आप किट्टू उठ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो किट्टू नहा के आ गई है और मियाओ बन चुकी है। ये देखो किट्टू, पूरा लुक दिखाओ पूरा, ये देखो किट्टू नहा के आ चुकी है और किट्टू कर रही है मियाऊ मियाऊ। किट्टू बिल्ली बन चुकी है बाबू, सी। अब मैं कर लेती हूँ पिट्टू को, पिट्टू बोल रही थी, किट्टू को फटाफट रेडी, जैसे उसका नाश्ता बन रहा है, जैसे मेरी लड़की उठ गई है। अब ये फटाफट नाव नाव कर ली है इसने, अभी नूनू कपड़े पहनेगी, चुंदर से बाल बनाएगी और जाएगी ट्यूशन बनाई करने, है ना बाबू। जय माता करो, जय माता करो सबको। मेरे कपड़े गिर गए, फट गए, अभी दूसरे लेके आऊंगी मैं। हाँ बोलो जय माता करो पहले। जय माता, सबको जय माता दी, जय माता दी। तो देखिए मैंने उनको अच्छे से ब्राउन कर लिया है धीमी आंच पे रख के, मतलब धीमी भी हम आगते ना बिल्कुल धीमी ना बिल्कुल तेज, बस को धीमी आंच पे रख के एकदम से गोल्डन जैसे कर लेना, उसमें बहुत कुरकुरा भी आएगा और अंदर से भी चीज़ गल जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी भी बात में, अभी तो मैं सोच रही किट्टू के लिए। और मैंने ना इस ये वाले स्पून का यूज़ किया है, इससे क्या होता है ना तो ये चिपकते नहीं है और इससे फटाफट से आराम से इजली हो भी जाते हैं और चिपकते भी नहीं है और इससे फटाफट हो जाता है और कोई इशू भी नहीं होता। इस वाले स्पून से बहुत अच्छा, कुछ भी चाहे कुछ भी है, फ्राई पकौड़े भी फ्राई करोगे ना इस स्पून से खाली घुमाओ तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो किट्टू का लंच हो गया है रेडी और किट्टू का डुडू भी हो गया। इसमें क्या है, टमाटर सॉस? किट्टू खाएगा और मेरा बाबू जा रहा है रेडी। अभी मेरा बाबू बनाएगा गुद, दो दो गुद बनाएगा, पंजाबी बन जाएगा सरदार जी। कहाँ जा रही हो बेटी? स्कूल जा रही हूँ ना। ओह, ऐसे बोलोगे अपनी मम्मी से? स्कूल जा रही है। ऐसे बोलोगे? स्कूल जा रही हूँ। गाइस को हेलो नहीं बोलोगे? गाइस हेलो। हाउ आर यू नहीं बोलोगे? हाय आर यू। हाउ सो किट्टू जा रही है ट्यूशन और मैं जा रही हूँ किट्टू को छोड़ने। लिफ्ट आ चुकी है और हम लिफ्ट से जी भी उतर चुके हैं, जल्दी करो चलो चलो। मेरी छोटी सी हीरोइन, चल जल्दी कर बेटा, देख मम्मी को देख, बोलो गाइस ट्यूशन से आके मिलूंगा। सो गाइस हम आ चुके हैं किट्टू को ट्यूशन छोड़ के, अब हम बना रहे किट्टू के पापा का नाश्ता। सी आज नाश्ते में भी यही मिलेगा सबको, मैंने इसको रख दिया है, अब इसको फ्राई कर रही हूँ। इसके खाने के बाद से पापा का रिएक्शन भी जरूर शो करूँगी। सी देखिए छोटे छोटे स्पून से कितनी जल्दी, तो बड़े से चम्मच से करेंगे ना कट जाता है, टूट जाता है, कुछ कुछ तो हो जाता है, ट्राई करना जरूर भले, पर इससे छोटे से स्पून से ना एकदम से परफेक्ट रहता है। सी हो गया किट्टू के पापा का नाश्ता।
अब मैं इनको लेके जाके देती हूँ, देखती हूँ इनके रिएक्शन क्या होंगे। सो मैं जा रही हूँ किट्टू को लेने ट्यूशन से। ये देखिए हमारे यहाँ पहाड़ बन, सी वेदर देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। और आई थिंक रोज कैसे किट्टू आज भी मेरा बाहर वेट कर रही है। फटाफट इसको लेके आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो हेलो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं, बैक हो गए हैं बिकॉज पता है बहुत सारी गर्मी थी ना तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि किट्टू को ट्यूशन से लेके आई, उसे खाना खिलाया और हम लोग दोपहर में सो गए थे क्योंकि बहुत ही गर्मी थी। इसलिए मैं अपना ब्लॉग अब शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी किट्टू की हो रही है मस्ती आपको सी। बस ये इसके बाबू हैं और ये रोते रहते हैं और ये है किट्टू का बेस्ट फ्रेंड मानवीक। सो अभी इनकी हो रही है मस्ती और मैं बैठी हुई किट्टू को खाना खिलाने के लिए। तो ये खाना खाने के लिए आ नहीं रही है, मैंने अपने लिए बनानी चाय, इसके लिए है चावल और ये आ नहीं रही है। बस इसको खेलना ही खेलना है, अपना बाबू अपना बाबू। और मेरी पूजा भी हो गई है डन। और ये शाम का व्यू मेरी बालकोनी से पूरा दिखता है, देखिए कितना मौसम इतना गंदा हो रखा है ना पूरा मौसम। और दोपहर में उससे भी डबल गर्मी थी, सीरियसली गाइस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है दोपहर की गर्मी तो। इसलिए मैं किट्टू को लाके सो गई थी तो मैंने अब वापस से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। जा रही हो किट्टू? जा रही है सुपरमार्केट। अब हम दोनों हो गए रेडी और वॉक का टाइम। सो हमने कहा चलो वॉक किया जाए। सो अभी मैं लिफ्ट में हूँ, बस उतर रही हूँ, जा रही हूँ नीचे। एक पे पहुंच गई है लिफ्ट सी। बस अभी हम लोग उतरेंगे और जाएंगे घूमने घूमने करने वॉक करने। यस हम लोग आ गए हैं नीचे और देखो आज का वेदर तुम्हें दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रहा है, एकदम नीला नीला, ये पता नहीं काला काला, बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा है। अच्छा किट्टू कह रही है मुझे भी दिखा दो। सो ये मेरी किट्टू कितनी प्यारी लग रही है ना, है ना मेरी बेटी सबसे प्यारी। चलो बहुत अच्छा लग रहा है नीचे आके, नीचे आके तो सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे यहाँ का पार्क जो मैं आपको रोज दिखाती हूँ। सो हम लोग आ गए नीचे और मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ इन पेड़ों के नीचे। हम आ चुके हैं नीचे और मैं बैठ चुकी हूँ इन पेड़ों के नीचे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे हवा चलती है ना, क्योंकि देखो ऊपर पेड़ है नीचे आनी है। और इधर किट्टू हाय हाउ आर यू, किधर चले? और हम लोग हो गए रेडी, अब हम लोग जाएंगे किचन में खाना बनाने। आज सोचते क्या बनाए, रोज का टेंशन। सो फाइनली गाइस हमारा खाना हो चुका है डन और किट्टू का भी खाना हो गया डन। किट्टू ने खाना खा लिया, देखो किट्टू का पेटू दिखाओ पेटू, ये देखो किट्टू का पेटू भी भर गया।
अब मेरा बाबू का पेट भी भर गया, मेरा भी भर गया। अब हम लोग जा रहे हैं सो अब हम लोग जा रहे हैं सोने। सो गुड नाइट, शुभरात्रि, शब खैर। कैसा लगा आज का ब्लॉग हमको मैसेज में कमेंट्स करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।